नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और स्वादिष्ट नाश्ता। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आलू ले लिए हैं जिनको छील कर धो लिया है और अब इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे, न ज़्यादा बारीक न मोटा, मीडियम साइज़ के ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, फटाफट से मैंने 3 आलुओं को ग्रेट कर लिया है। ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ ये वास्तव में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही झटपट से बनने वाला नाश्ता है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं अपने बच्चों को अक्सर बना कर देती हूँ। ये देखिए, 3 आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब पानी से अच्छे से हम इनको 2-3 बार धो लेंगे। साफ पानी से मैंने 2-3 बार इनको धो लिया है। पानी अच्छे से निचोड़ कर ये आलू मैंने ले लिए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भुना पिसा जीरा, साबुत जीरा 1 चम्मच, थोड़े से काली मिर्च कूटे हुए, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, साथ ही हम थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके डालेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर हींग डाल दी है मैंने और स्वादानुसार नमक, थोड़ा 2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डाला है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे और चम्मच से यदि नहीं मिले तो हाथ से हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद 2 मीडियम साइज के मैं प्याज ले रही हूँ, इनको भी यहीं पर सीधे ही ग्रेट कर देंगे। यदि आपके पास बड़ा प्याज हो तो आप 1 प्याज ले सकते हो। इनको यहाँ पर हम मिला देंगे अच्छे से। जिस ग्रेटर से आलू ग्रेट किए हैं उसी से मैं प्याज ग्रेट कर रही हूँ। हाथ से अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद कढ़ाई ली है जिसको मैंने गैस पर रख दिया है। 2 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में। यदि आपके पास या आप डालना चाहो तो तेल भी डाल सकते हो। थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं घी में और जैसे ही ये चटकने लग जाएंगे तो ये जो सारा बैटर हमने तैयार किया है ये डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको सेट कर देंगे। कढ़ाई की बजाय यदि आप पैन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये देखिए, सारा अच्छे से सेट कर लिया है। इस मटेरियल को 2 भागों में मैंने बांट लिया है। थोड़ा थोड़ा मैंने घी चारों तरफ और डाल दिया है ताकि ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए और पलटने में आसानी रहे। कुछ 2-3 मिनट तक हम इसको खुले में इसी तरह से पकाएंगे और बीच बीच में इसको हम हिलाते भी रहेंगे और 2-3 मिनट के बाद इसको मैंने ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, जो हमारा ये नाश्ता है ये पैन को छोड़ चुका है लेकिन अभी ये पूरी तरह से पलटने लायक नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर मैं और इसको ढककर पकाऊंगी और उसके बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने में इसको थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी होगी। 1 पलटे से ना पलटा जाए तो हम थोड़ा सा एक दूसरे पलटे का सहयोग लेके अच्छे से इनको पलट देंगे, क्योंकि ये नाश्ता है थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, ऊपर से ये क्रंच वाला भी होता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और वैसे कोई समस्या नहीं आएगी। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। पलटने के बाद भी थोड़ा सा हमने इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाया है। अगर ये आपसे पलटे से ना निकले तो इसको सीधे ही आप प्लेट पर निकाल सकते हो। बहुत ही टेस्टी
बनकर तैयार होता है ये, और बहुत ही सिंपल साधारण चीज़ें हैं जो हमारे घर में सभी के पास मिल जाती है। कुछ भी फालतू अटरम शटरम नहीं है, और बच्चों ने बहुत ही भर भर के तारीफ़ की। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करें, रेसिपी बनाकर देखें। यदि अच्छी लगे, बच्चों को पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है नाश्ता। थैंक यू फॉर